भारतीय तेज गेंदबाज शमी के साथ बदसलूकी और हमले की कोशिश का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि साउथ कोलकाता के काटजूनगर में उनके घर के बाहर कुछ लड़कों ने उनके ड्राइवर के साथ गुंडागर्दी की। घटना शनिवार रात की है, जब शमी अपनी पत्नी के साथ रात में घर लौट रहे थे। शमी जब अपने घर के बाहर पहुंचे तो उनके ड्राइवर ने गाड़ी को पार्क करने की कोशिश की, तो इस दौरान कथित रूप से उनकी गाड़ी किसी मोटरसाइकिल से टकरा गई। इसके बाद मोटरसाइकिल वाले ने शमी के ड्राइवर से बहस शुरू कर दी। मामला बढ़ते हुए देख शमी ने बीच बचाव की कोशिश की तो उस शख्स ने शमी से भी बदतमीजी की। मामला शांत होने के बाद शमी घर पहुंचे, तभी कुछ देर बाद वो शख्स अपने साथ तीन शख्स को लेकर उनके घर पर हमला कर देता है। पुलिस रिपोर्ट में शमी ने बताया कि वो अपने साथ दो तीन लोगों को लेकर आया और घर पर हमला कर दिया। वो केयरटेकर से लड़ने लगे, मैनेजर का कॉलर पकड़कर उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की। बताया जा रहा है कि वो शख्स शमी के रूम तक भी पहुंच गया था और गेट पर धक्का मारकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तीन शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि शमी टीम इंडिया के साथ बुधवार को श्रीलंका दौरे के लिए रवाना होंगे। टीम इंडिया अपने इस दौरे पर तीन टेस्ट, पांच वनडे और एक टी20 मैच खेलेगी। दौरे का पहला टेस्ट 26 जुलाई से शुरू होगा।